सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ और आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं 02952 न्यू दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में, जिसको रिसेंटली तेजस स्मार्ट कोचेस मिला है। तो चलिए प्लेटफॉर्म 3 पर जाके शॉर्ट्स दिखा रहा हूँ ट्रेन का। गाइस, ये हमारे ट्रेन का लोकोमोटिव है, BRCCF का WAP 7 30607। सो गाइस, मैं आप लोगों को 2AC का इंटीरियर दिखाता हूँ, 2nd AC का। गाइस, ये फर्स्ट AC, अब इसके इंटीरियर दिखाता हूँ आप लोगों को। गाइस, ये हम लोग का कोच है B11। हम लोग 3rd AC में ट्रैवल कर रहे हैं आज, और मेरे साथ है प्रमित भाई और पीयूष भाई, हाय, जो मेरे साथ ट्रैवल करने वाले हैं मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में। चलिए आप लोगों को इंटीरियर दिखा दो। गेट बंद हो चुका है। शायद फिर से कोई और छूट गया, इसलिए फिर से गेट ओपन हो गया। हॉकिंग सुन रहे हो पीयूष भाई? फाइनली गेट्स बंद हो चुके हैं। चल पड़े फाइनली, बिल्कुल 4:55 पर।
गाइस टाइमिंग्स की बात करें तो मुंबई राजधानी का न्यू दिल्ली से निकलने का टाइम है शाम को 4:55 और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुंबई सेंटर पहुंचने का टाइम है सुबह 8:35 और आप लोगों को मैं इंटीरियर एक्सटीरियर दिखाई चुका हूँ चलिए फिर स्किप दिखाता हूँ उसके बाद लोग ने कॉफी लिया है हम लोग 20 rupees पर है कॉफी जजन पट्टी हाँ हाँ हो जाएगी वो रख लो या इसको 40 रुपये और सर्विस में 2-40 रुपये
बस आप लोगों को वॉशरूम का कंडीशन दिखाता हूँ कैसा है। ये बहुत ही अच्छा चीज दिया है यहाँ पे बच्चों को रखने के लिए। हम लोग कोटा पहुंच चुके हैं 10 मिनट्स बिफोर शेड्यूल। 10 मिनट बिफोर टाइम हम लोग कोटा पहुंच चुके हैं 9:20 पे। रन तो बहुत ही तगड़ा था, मतलब इसलिए इसको फास्टेस्ट राजधानी कहा जाता है। मतलब कॉन्स्टेंट 130 पे चल रही थी, फिर भी कुछ जगहों पे काम चल रहा था सवाई माधोपुर के साइड पर, फिर उसके बाद भी मतलब बहुत ही तगड़ा रन था इसका, मज़ा आ गया था इसमें। और हम लोगों ने कोटा से खाना ऑर्डर किया था कैटरिंग से, वो भी आने वाला है, मैं वही दिखाता हूँ हम लोगों को क्या ऑर्डर किया था मैंने। सो गाइस, हम लोगों ने कैटरिंग से बुक किया था जीरा राइस और कढ़ाई चिकन, जो कि हम लोगों को 176 पड़ा है पर पर्सन। तो मैं आप लोगों को खाने के बाद रिव्यू करता हूँ कि कैसा लगा मुझे। खाने के रिव्यू की बात करें तो खाना बिल्कुल भी घटिया था,
फ्राई चिकन था या क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ था ही नहीं मालूम, ना उसमें नमक था ना कुछ था, बिल्कुल भी घटिया था। मैं तो बोलूँगा आपको वैसा ऑर्डर ना ही करें, कोटा से स्पेशली, कोटा से ये सब ऑर्डर ना ही करें आप लोग। इससे बेटर तो रेडी टू ईट जो मिलता है ट्रेन में, वो भी इससे बेटर रहता है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। Yo, me la llevo a la que se...
करना मत देख। नए गांव मुंबई आए और मुंबई लोकल के साथ पैरेलल नहीं हो या फिर ओवरटेक नहीं हो तो मजा ही नहीं है फिर मुंबई का कुछ। सबर्बन में गाइस ईएमयू का अलग ही प्रायोरिटी है क्योंकि इसमें डेली कम्यूटर्स ट्रेवल करते हैं तो इसलिए सबर्बन में तो बोल सकते हैं कि ईएमयू का तो प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है कहीं भी हो चाहे मुंबई में भी हो या फिर कोलकाता में भी हो। देखते हैं अब शायद नेक्स्ट स्टेशन पे हम लोग इसके साथ वापस री ओवरटेक कर देंगे। सो गाइस हम लोग अभी वापस री ओवरटेक कर रहे हैं बांद्रा बाउंड लोकल को भैंडर पे। तो गाइस हम लोग बोरीवली पहुंच गए, ये हम लोग के जर्नी का लास्ट स्टॉपेज है, इसके बाद डायरेक्ट मुंबई सेंट्रल जाकर रुकेंगे। अब इसके बाद बोरीवली पे टाइम था 7:42 पर आई 7:55 पर, 13 मिनट लेट। देखते मुंबई सेंट्रल पे तो 8:35 का टाइम है, शायद ऑन टाइम पहुंचा दे वहाँ पे। आप लोगों को नेक्स्ट स्किप दिखाता हूँ बांद्रा का। सो गाइस ये है मुंबई का एसी लोकल जिसको अभी हम पैरेलल ओवरटेक कर रहे हैं। जस्ट कंडीशन देखिए विंडो का, ये कल रात को हुआ था। स्टोन पेल्टिंग तो नहीं था पर ऑपोजिट साइड से एक मालगाड़ी जा रही थी उसी से कोई पत्थर छटक के आया था यहाँ पे,
पूरा कांच टूट गया। सो गाइस, हम लोग मुंबई सेंट्रल पहुंच चुके हैं। तो जर्नी तो बहुत ही बढ़िया था, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। पर एक चीज़ मुझे ठीक नहीं लगा, वो था ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ, वो बिल्कुल एक्टिव नहीं था। टॉयलेट काफ़ी गंदा हुआ था पर कोई साफ़ करने नहीं आया। जब हम लोग ऑलमोस्ट मुंबई सेंट्रल पहुंचने वाले थे तब आए साफ करके गए उस टाइम पे। ये ठीक नहीं गया, नहीं लगा मुझे, और बाकी सब ठीक था। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।